जाते आनंद में यो माम जन्मादि चवेति लोक महेश्वरम असमूढस्थ मर्त्युषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोकों का महेश्वर जानता है अर्थात दृढ़ता से मानता है वह मनुष्यों में असमूढ़ अर्थात मूढ़ता से रहित अज्ञान से रहित मुझे मेरे स्वरूप को जानकर वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो जो एक नंबर का हो सर्वव्यापक परमेश्वर का हो ये गीता का 10वां अध्याय का 9वां श्लोक है। यो माम जन्मनि च वेति लोक महेश्वरम असमूढस्य मृत्युषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा शरीर का 2 नंबर का जन्म होता है मेरा जन्म नहीं, जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं, आकाश का जन्म हुआ घड़े का जन्म हुआ आकाश का जन्म नहीं हुआ, गहने का जन्म हुआ सोने का जन्म नहीं हुआ, शरीर का जन्म हुआ तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तो तुम्हारी मौत होगी भी नहीं। सचमुच में तुम्हारी मौत होती तो शरीर के साथ तुम चले जाते, शरीर यहीं पड़ा जाता है, फिर भी तुम और शरीरों में होते हो। अगले जन्म की बात कहने वाला ये शरीर तो नहीं है फिर भी तुम रहते हो तो तुम्हारा जन्म भी नहीं है। भगवान बोलते मेरा जन्म नहीं है और मेरी मृत्यु नहीं है, ऐसा जो दृढ़ता से मानता है वो सब पापों से छूट जाता है। जब भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं है ऐसा तुम मानोगे तो भगवान आए और भगवान चले गए तो भी भगवान का जन्म मृत्यु नहीं है, भगवान मुक्त आत्मा है शाश्वत है ऐसा मानोगे तो फिर तुम कौन हो। गुरुजी पूछेंगे तो तुम खोजोगे तो तुमको भी लगेगा हम भी वही है, हो गए निष्पाप हो गए मुक्त आत्मा। कठिन नहीं है बाबा, न दूरे न दुर्लभ है, वह दूर भी नहीं परमेश्वर दुर्लभ भी नहीं। सो साहेब सद सदा हजूरे अंधा जानत ताको दूरे, वो हाजरा हजूर परमेश्वर है लेकिन उसके ज्ञान में प्रीति नहीं, उनका ज्ञान देने वाले सतगुरु का महत्व नहीं जानते इसलिए ज्ञान टिकता नहीं, भूख नहीं है इसलिए खाना हजम नहीं हो रहा है। बाकी तो आदमी सब दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय है तत्वज्ञान, परमात्मा तत्वज्ञान एक नंबर में जग जाना, नहीं तो श्री कृष्ण दिख रहे हैं और अर्जुन का दुख नहीं मिटा। जब अर्जुन को सत्संग समझ में आ गया तो अर्जुन का दुख टिका नहीं। जरा पैसा कमा लूं तो दुख मिट जाएगा, नहीं मिटेगा। शादी कर लूं दुख मिटेगा, नहीं मिटेगा। तलाक देने से दुख नहीं मिटेगा। लीव इन रिलेशन आएगा तो और आदमी स्वार्थी हो जाएंगे, स्त्री भोग्या बन जाएंगे, जिस किसी से दोस्ती किया भोग लिया ठुकरा दिया दूसरी दोस्ती कर ली, इससे नारियों के साथ जुलम हो जाएगा और नरों की भी कीमत नहीं रहेगी, वैल्यू नहीं रहेगी तन मन से, और न जाने किसका कौन सा कौन बच्चा पालेगा। ऐसा विदेशों में बहुत है, तो एक बाई ने कई पति बदले थे तो वो बच्चे लेते लाते फिर एक नई शादी की, तो पत्नी ने कहा कि तुम्हारे और मेरे बच्चे मिलकर अपने बच्चों से लड़ते हैं, जो तुम छोड़ छोड़ कर बच्चे ले आए हो मैं छोड़ छोड़ कर बच्चे ले आए हूं, वे दोनों मिल गए हैं और अपने बच्चों से लड़ रहे हैं, कैसी दुर्दशा है। पहले तो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों से, मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चों से लड़ते थे, अब हम दोनों एक हो गए और हमारे बच्चे हुए तो वो दोनों मिल गए और अपने बच्चों से लड़ते हैं। क्या ये भारत में आप दुर्दशा देखना चाहते हो क्या, अमेरिका जैसी लीव एंड रिलेशन करके। इसीलिए सावधान रहो, विदेशों की प्रभाव में आभा में आकर अपनी महान संस्कृति से देश को और अपने को मत भटकाओ, ऐसा महापुरुषों का संकेत मैं आपको सुना रहा हूं। नारायण 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 यो माम
जन्मनी चवेती लोक महेश्वराम, जो मैं अजन्मा हूँ और लोकों का ईश्वर हूँ। हर एक मंडल का अपना ईश्वर, अपना बोस होता है, मुखिया होता है, लेकिन सब मुखियाओं का मुखिया मैं अंतर्यामी परमेश्वर महेश्वर हूँ। फलाना ईश्वर, फलाना भगवान, फलाने भगवान, ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शिवजी भगवान, गणपति भगवान, लेकिन शिवजी की निगाहें जिससे देखती है, गणपति भगवान की निगाहें भी जिससे देखती है, वह दोनों का अंतर्यामी परमात्मा महेश्वर है। उसी महेश्वर की निगाह, उसी महेश्वर की सत्ता से मेरी आंखें देखती, तुम्हारी आंखें देखती। तो ईश्वर 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 तो बहुत है, लेकिन सभी ईश्वरों का अंतरात्मा बनकर बैठा हूं मैं। श्री कृष्ण अपने मैं की असलियत को जानते, मैं महेश्वर हूँ, अजन्मा हूँ। जब अजन्मा हुए तो, जब जन्म नहीं तो मृत्यु होगी क्या? तो आप पक्का कर लो कि मेरी मृत्यु होने वाली नहीं। तो बोले, घर वाले बोलेंगे मरेगा नहीं क्या, बूढ़ा हो जाएगा? बोले नहीं, मरेगा तो ये मरेगा, मैं नहीं मरता। हम मरे राम मरे तो हम मरे, हमारी मरे बला। कबीर जी को ये ऊंचाई का अनुभव हुआ, बोले राम मरे अर्थात एक नंबर आत्मा मरे तो हम मरेंगे, राम मरे तो हम मरे, हमारी मरे बला, सतपुरखों का बालखा मरे न मारा जाए। सतगुरु का ज्ञान है, फिर हम मरने वाले थोड़े हैं, न मरने वाले न मारे जाने वाले, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए फिर भी हम मरने वाले नहीं, श्वास बंद हो जाए शरीर को जला दे फिर भी हम मरने वाले नहीं। मैं तो मर गई बचपन से कह रही हो, फिर भी जिंदी है, मौसी बन गई है, इतनी बबली थी, मैं तो मर गई रे, मैं तो मर गई, फिर बोले मैं मर गई, फिर बोले मर, अब बुढ़ी मैं तो मर गई रे, कुछ नहीं मरे, आज शरीर मरा हुआ है, मैं तो मर गई हूँ, तो मर गई तो देखती कैसे? बोले तो मेरा मरा हुआ शरीर है, मैं तो अमर हूँ। अः बेटिया शाबाश है, मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई, अर्थात अपनी बेवकूफी के सिर पर पैर रख के उसको मार दो, फिर जन्म मरण नहीं होता। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं, पुण्य पाप कछु कर्म नहीं, मैं अज निर्लेपी रूप कोई कोई जाने रहे। इस प्रकार का अभ्यास करो, जरा जरा बात में डर जाना, जरा जरा बात में विकारी हो जाना, जरा जरा बात में भयभीत हो जाना, जरा जरा बात में चिंतित हो जाना, ये दो नंबर को एक नंबर मानते हो और एक नंबर का पता नहीं। मरने वाले शरीर को, माया के खेल को सच्चा मानते और उसको देखने वाले आत्मा को नहीं जानते। तो जिनको गुरु भक्ति फली है वे उन्हीं को गुरु ज्ञान फलता है, और जिनको गुरु ज्ञान फलता है वो देर सवेरे एक नंबर तत्व में पहुंच जाते हैं। ज्ञानात दग्ध कर्माणी। तो अर्जुन ने बोल देखा कि मैंने इतने इतने कर्म पहले किए हुए और अभी युद्ध करूंगा और कईयों को मारूंगा तो मैं तो बंधन में पड़ जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते नहीं, यथा धांसे समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे अग्नि पहले के लक्कड़ है या पहले का कचरा है उसको जला रही है और दूसरा कचरा डाल दो तो क्या इनकार करेगी क्या? लक्कड़ चाहे दस मन हो चाहे सौ मन हो, अग्नि लक्कड़ को भस्म कर देती है। ऐसे ज्ञान अग्नि, कर्तृत्व अभिमान जिसको नहीं है उसके ज्ञान अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। उत्तरा के गर्भ से मृतक बालक, अश्वत्थामा के अस्त्र से सब लोग चिंतित थे, पांडवों के वंशज एकलौता बेटा उसको भी अश्वत्थामा मार गए। अब इसको जीवित करने का कोई उपाय नहीं, वकीम वैद्य सब निरुत्तर हो गए। खोजते खोजते श्री कृष्ण ने एक उपाय खोजा कि ये मृतक बालक जीवित हो सकता है अगर कोई बाल ब्रह्मचारी हो,
अखंड ब्रह्मचारी हो, जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत में समता व्रत में खंडित न हुआ हो वो अखंड ब्रह्मचारी हो। वो अगर